शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग कौन है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। आप लोगों ने हमें बचाया, लेकिन आप लोग हैं कौन? तुम सोच रही होगी ना कि ये सब क्या हो रहा है? तुम जिंदा कैसे? याद आएगा, एक एक पल याद आएगा, जलने का, राख होने का दर्द याद आएगा, तारा से दूर होने का दुख याद आएगा। चंपा, चंपा लोग जिंदगी को याद करते हैं, पर तुम्हें मौत को याद करना होगा। वही तीन डायने हैं ना जो बरसों से काल वृक्ष में कहते हैं। हमने आप तीनों की कहानी सुनी है। कहानी सुन चुकी चंपा, सच सुनने की बारी है। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, क्योंकि हारने वालों की पेंसिल टूट जाती है। ये? मतलब ऐसा ही कुछ होता होगा? नहीं चंपा, दुनिया वालों की नजर में बहुत बुरे, लेकिन हमारा सच कोई नहीं जानता। चंपा, हमें इस पेड़ पे कैद करने वाले वही है चंपा, जिसने तुम्हें जलाया। राठौर, उनका इस गांव से बहुत पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता? वही रिश्ता जो एक पेड़ का कुल्हाड़ी से होता है। राठौर परिवार इस गांव को अपनी जागीर मानता है। औरत का जिस्म हो या जमीन, अगर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता ना, तो वो उसे डायन करार करके
चलाते थे। लेकिन आप तीनों डायने थी, हम डायन नहीं, हम इंसान हैं। चंपा, इस गांव में कौन क्या है उसका फैसला भी वही लोग करते हैं। और हम तीन तो इस गांव की भलाई चाहते थे, हम तो लोगों को उनके कर्मों से बचाते थे। इसीलिए आज जो तुम्हारे साथ हुआ, वर्षों पहले हमारे साथ भी वही हुआ था। हमने लाख कहा कि हम निर्दोष हैं, किसी ने हमारी नहीं सुनी, हमें हमेशा के लिए इस पेड़ पर कैद कर दिया गया। मेरे सर पे तो पत्थर भी आके लगा था। बोलो। लेकिन आप तीनों तो बरसों से यहाँ कहते हैं, तब आपने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया भी तो हमें बचाने के लिए, काहे? क्योंकि कुछ कहानी ऐसी होती है चंपा, जिन्हें दोहराया नहीं जाता। ऐसी कहानी है राठौड़ परिवार के जुल्मों की, जिन्हें दोहराए जाने की नहीं, मिटाए जाने की जरूरत है। कहानी कहाँ लिखी है हमें पता ही नहीं है, वरना हम मिटा देते, है ना? वो कहानी हमारी तकदीर पे लिखी है रंबा, जो हम नहीं कर पाए वो तुम करोगी चंपा। क्या क्या राठौड़ परिवार से बदला? हम कैसे लेंगे बदला? हम तो अपनी तारा को अकेले होने से नहीं बचा पाए, अपनी मां की आखिरी निशानियों का घर नहीं बचा पाए। हम एक मामूली सिंदूर बनाने वाली, आज तक हमने सिर्फ बनाया सिंदूर बनाया, चोटियां बनाए, तारा के लिए रोटियां बनाए। हमने आज तक सिर्फ बनाने की कोशिश की है, बिगाड़ने के बारे में भी तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। और आप लोग कह रहे हैं कि हम राठौड़ परिवार की तकदीर बिगाड़ते हैं। हम तो किसी का सौभाग्य नहीं बन पाए, और आप कह रही हैं हम इतने बड़े परिवार का दुर्भाग्य बन जाए। देखिए, हम में ना कौनो शक्ति नहीं है, 20 किलो आटा उठाए ले तो कमर में लचक आ जाती है, पतले का बोझ कैसे उठाएंगे हम? नहीं, सही कह रही है चंपा। अगर हम ले सकते तो कब का ले चुके होते उनसे बदला? हम पे जो मंत्र फूका गया है उसने हमें इस पेड़ से बांध के रखा है, हम इसकी छाव के आगे नहीं जा सकते। और ये पेड़ कहीं आता जाता भी तो नहीं है ना, इसलिए हम यहीं से तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन चंपा, बदला तुम्हें ही लेना होगा। माफ कर दीजिए, हमें बस अपनी तारा को ढूंढना है। तुम्हारी तारा कहाँ होगी, किस हाल में होगी? हमें बस अपनी तारा चाहिए, हमें तारा को ढूंढना, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं तारा कहाँ है। बताइए ना, कहाँ है अमृत तारा? कहाँ है अमृत तारा? बताइए ना, तारा कहाँ है? बताइए ना, तारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? तारा कहाँ है?
वहां। मैंने भी आपको खाते हुए नहीं देखा दीदी, आप खा लो। चुपचाप खा ले तारा, हम जानते हैं तूने कुछ नहीं खाया, भूखी है तू, खा। और मैं भी जानती हूँ कि आप भूखी रहकर मुझे खिला रही हो। आप मानो या ना मानो, गौरी माँ ने आपके सर पे हाथ रख दिया है। राठौर परिवार की प्यास सिर्फ तुम्हारे खून से नहीं बुझी। भेड़िए जब शिकार पर निकलते हैं तो रास्ते में कोई भी आ जाए वो उसे भी खत्म कर देते हैं। तुम्हारी तुम्हारी बहन तारा भी रास्ते पर आ गई।